जैसे अपने लाइफ में एक घटना घटित होती है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा लोग ये लाइफ की घटना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने जीवन में इस घटना से और इस घटना तक पहुंचना है तो और इस घटना से इस घटना तक पहुंचना है, दोनों केस यही है, लंबाई में डिफरेंस है, लंबाई एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। इसमें सबसे पहले किस मार्ग पर अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, इस वाले पर या इस वाले पर? और आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एक छर्रा हमने गिराया और एक छर्रा यहाँ पे गिराया, और आप बताइए सबसे पहले कौन यहाँ पर पहुंचेगा, नीचे वाले में या ऊपर वाले में? जाकर ट्राई करना, दिखने में पूरा का पूरा लग रहा है कि ये वाला जल्दी पहुंचेगा, और दिखने में ये लग रहा है कि ये नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन सबसे पहले यही पहुंचेगा। हम बस एक आपके लिए माध्यम है, एक सपोर्टर है बस आपका, हम आपको एक दिशा दिखा सकते हैं, बस आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं कि हम आपको उंगली पकड़ के लेकर चले, ऐसा नहीं। हम उसमें बस एक एडवाइस दे सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। जैसे अगर इस घटना को देखना हो तो एक घटना घटित हो रहा है, जैसे आप मान लीजिएगा एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, नदी है, नदी में आप लोग नाव देखे हैं कि नहीं बच्चा लोग? Yes, नाव है, नाव एक हमारा माध्यम है इस पार से उस पार जाने के लिए, है या नहीं है? Yes, अगर हमें तैरन नहीं आ रहा है और हमें इस पार से उस पार तक जाना है तो बताओ कैसे जाएंगे, नाव का ही सहारा लेंगे कि नहीं लेंगे? Yes, तो नाव हमारा क्या है, बस एक माध्यम है, क्या है? माध्यम। और इससे बोल दीजिए, इसमें बैठ जाइए और बोलिए इससे, भैया तुम्हें चलना है इस पार से उस पार, और मेहनत ना करो, नाव पे बैठ जाओ। क्या वो नाव हमें इस पार से उस पार तक ले जा सकती है? नहीं ले जा पाएगी। क्यों नहीं ले जा पाएगी? बस ये माध्यम है, इसे हम खुद डायरेक्शन देंगे, चलाना हमें है, मेहनत हमें करना होगा, तभी जाकर ये नाव इस छोर से इस छोर तक पहुंचेगी। उसी प्रकार आपके जीवन की नैया भी है, आपको ही मेहनत करना है, परीक्षा आपको देना है, मंजिल आपको हासिल करना है, बस दूसरा कोई आपके लिए बस एक एडवाइजर हो सकता है एक सलाह के रूप में। लेकिन अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, रास्ता जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा, जितना आप संघर्ष से जूझेंगे, उतना ही आपका जीवन आरामदायक होता जाएगा, और उतना ही ज्यादा तहलका मचाओगे आप अपने जीवन में। बड़ी मंजिल तक अगर पहुंचना है तो आपका रास्ता बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा, अर्थात आप धक्के बहुत ज्यादा खाएंगे तो अपने जीवन में, और जितना ज्यादा धक्का खाएंगे उतने ज्यादा आपके पास अनुभव आएगा, और जितना ज्यादा अनुभव आएगा उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे, उतने ही बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो यहाँ से यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ और पूछना है, आज आपका फेयरवेल है तो फेयरवेल पर कुछ आपका घटना घटित है या कुछ पूछना है, आपसे कुछ सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फेयरवेल के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बच्चों लोग।